यानी बड़े गुनाहों से अगर तुम बच जाओगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देंगे, माफ कर देंगे। बाज लोग क्या समझते हैं कि नमाज पढ़ लेंगे तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। इन तजतनिबू कबाइरमा तुनहौना अन्हु, अगर तुम कबीरा गुनाहों से बच जाते हो, नुकफिर अनकुम सय्यातिकुम, तब हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को ऑटोमेटिकली माफ कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، اور امام الانبیاء محمود کبریا احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں ایک مقصد کو دے کر بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ دنیا کی یہ 60-70 سالہ زندگی ہے۔ پہلے زمانے کے لوگ بہت لمبی عمر تک بھی زندہ رہتے تھے، ایک ایک ہزار سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور کئی سو سال تک ان کو کوئی بیماری بھی نہیں آتی تھی، صحت بھی بہت اچھی رہا کرتی تھی۔ اور ہماری جو یہ امت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں
60 और 70 साल के दरमियान है। उसमें 14-15 साल ऐसे हैं बंदा अभी मुकल्लफ नहीं रहता, इस उम्र में 14 और 15 साल से पहले का जो ज़माना है वो अल्लाह ताला के यहाँ उसका कोई हिसाब नहीं होता, अभी बंदा मुकल्लफ नहीं होता। बालिग होने से पहले का जो ज़माना है उसमें बंदा जो गुनाह करता है उसके सिलसिले में अल्लाह के यहाँ कोई हिसाब नहीं होता। कोई 14 साल में बालिग होता है और कोई 15 साल में बालिग होता है। आजकल तो 11 साल में भी बालिग हो रहे हैं, 9 साल में बच्चियां बालिगा हो रही हैं। वजह क्या? खाना ऐसा है, खाने पीने की चीज़ों के अंदर जो चीज़ें डाली जाती हैं नकली, जो दवाइयां वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं जिनकी वजह से एक महीने में मुर्गी इतनी बड़ी हो जाती है, 6 महीने में बड़ी होने वाली मुर्गी 1 महीने में बड़ी हो जाती है, इसी तरह फल फ्रूट है, सब्जियां, तरकारियां हैं, इन सब को खा करके आदमी भी जल्दी मैच्योर हो रहा है, बहुत जल्दी बालिग हो जाता है, बच्चा भी बच्चियां भी। बहरहाल बालिग होने से पहले का जो ज़माना है वो ज़माना माफ है। बालिग हो गया अब शरीयत का हुक्म उसकी तरफ मुतवज्जा होता है कि तुमको फला फला काम करना है और फला फला गुनाहों से बचना है, नेक कामों में लगना, बुरे कामों से बचना, ये 2 काम हैं, इसी का नाम तकवा है। अल्लाह ने जिन कामों को करने का हुक्म फरमाया उसको अदा करना, बजा लाना, और जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना फरमाया है उससे दूर रहना, बच जाना। अगर हो गया वो गुनाह का काम तो तौबा कर लेना और आइंदा न करने का पुख्ता इरादा करना और आइंदा कभी न करना, इसी का नाम तकवा है। तो हमारी ये जो मुख्तसर सी ज़िंदगी है 15 साल के बाद वाली, बालिग होने के बाद वाली जो ज़िंदगी है, उस वक्त से लेकर मौत तक, कब्र में जाने तक हमें अपने आप की हिफाजत करना है। अल्लाह ताला के तमाम अहकाम पर अमल करना और जिन गुनाहों से अल्लाह पाक ने मना फरमाया है उनसे बचे रहना। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की है इसमें अल्लाह पाक ने बशारत दी है, एक खुशखबरी दी है, क्योंकि इंसान बहरहाल इंसान है, खुलिकल इंसानु ज़ईफा, आदमी निहायत कमज़ोर पैदा किया गया है, उसकी खिलकत कमज़ोरी पर है, इंसान से बहरहाल गुनाह हो ही जाता है। तो अल्लाह पाक ने बड़ी बशारत दी है और फरमाया है इन तजतनिबू कबाइरा मा तुन्हौना अन्हू, जिन गुनाहों से अल्लाह ताला ने रोका है, मना किया है, उनमें से जो बड़े गुनाह हैं, कबीरा जिनको कहा जाता है, उनसे अगर तुम बच जाते हो तो फिर नुकफिर अनकुम सय्यातिकुम, तुम्हारे सगीरा गुनाहों के लिए हम उन कबीरा गुनाहों से बच जाना कफ़ारा बना देंगे। यानी बड़े गुनाहों से अगर तुम बच जाओगे तो हम तुम्हारे छोटे गुनाह को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देंगे, माफ़ कर देंगे। وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, और हम तुम्हें एक इज्जत वाले मकाम पर पहुंचा देंगे, दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में इज्जत वाला मकाम क्या है,
अल-जन्ना, जन्नत है। और जन्नत कौन सी जगह है? वो हमारी जगह है, नेटिव प्लेस। ये जो दुनिया है ये टेम्पररी है। 10,000 करोड़ रुपया खर्च करके आपने मकान बनाया और उसका रजिस्ट्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से करवा लिया, पीएम का सिग्नेचर भी उसके ऊपर है, तब भी वो मकान आपका टेम्पररी मकान है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट जगह तो जन्नत है, वहीं से हम आए। इसीलिए अल्लाह पाक कुरान करीम में एक जगह फरमाता है, इरजिई इला रब्बिकी राजियतम मर्जिया। इरजिई, लौट जा अल्लाह की तरफ, लौट जा। लौटना कब होता है? तब के वहां से बंदा आया हो। जैसे आप बोलते हैं मैं अभी बेंगलुरु से वापस आया हूं, मतलब क्या? आप बेंगलुरु गए हुए थे। तो हम सब अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। क्या मतलब? हम वहां से आए हुए हैं। जन्नत के बारे में भी इसी तरह अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है। तो हमारा असली ठिकाना, असली जगह क्या है? जन्नत है। वहां से हम दुनिया में आए हैं तो हमें लौटकर वहीं जाना है। तो अल्लाह पाक फरमाता है, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और हम तुम्हें इज्जत वाले मकाम पर पहुंचा देंगे। कबीरा गुनाहों से हमें बचना है। और कबीरा गुनाह अक्सर कसदन व इरादतन होता है, अटेम्प्टिव। जितने भी कबीरा गुनाह होते हैं उसमें आदमी के इरादे का दखल होता है तकरीबन, और कभी कभी बिला इरादा भी बड़ा गुनाह हो जाता है। कबीरा गुनाह किसको कहते हैं, पहले इसको समझना है। कबीरा गुनाह, इसके बारे में सहाबाए किराम फरमाते हैं, कुल्लू मा नहा अनहु फहिया कबीरा, हर वो गुनाह जिससे अल्लाह पाक ने मना कर दिया वो कबीरा गुनाह है। जिससे भी अल्लाह ताला ने मना कर दिया तो समझ जाओ कि वो क्या है, बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। तो फिर हम लोग कबीरा और सगीरा दो डिविजन्स क्यों करते हैं? गुनाहों की हम तकसीम क्यों बयान करते हैं कि फलां फलां कबीरा गुनाह है और फलां फलां सगीरा है? तो जवाब यह है कि कबीरा और सगीरा उनके नतीजों के एतबार से है। गुनाह तो सब बराबर हैं, गुनाह होने में सब के सब बराबर हैं, एक लाइन में खड़े होने वाले। लेकिन किसी गुनाह का नतीजा छोटा होता है, किसी गुनाह का नतीजा बड़ा होता है। किसी गुनाह से नुकसान कम होता है, किसी गुनाह से नुकसान बड़ा होता है। इसलिए किसी को कबीरा कह दिया, किसी को सगीरा कह दिया, वरना कबीरा सगीरा असल में नहीं है, सब बड़े ही गुनाह हैं। किसी अल्लाह वाले से पूछा कि हजरत कबीरा गुनाह क्या है, सगीरा गुनाह क्या है, मैं कबीरा से बच जाना चाहता हूं, तो अल्लाह वाले ने कहा कबीरा गुनाह बड़ा बिच्छू, सगीरा गुनाह छोटा बिच्छू। अब बताओ किससे तुम बचना चाहते हो, बड़े से या छोटे से? हजरत मैं तो दोनों से बचना चाहता हूं, मैं तो दोनों बिच्छुओं से बचना चाहता हूं। वो बड़ा सांप है या छोटा सांप है, वो मारेगा तो 5 मिनट में मर जाएंगे, ये काटेगा तो एक घंटा जिंदा रहेंगे, उसके बाद मर ही जाना है। दोनों का नतीजा एक ही है, वो जल्दी है या देर असर है। तो कबीरा और सगीरा नतीजों के एतबार से है।
तो उलमाए किराम ने सगीरा और कबीरा की जो तशरीह बयान की है वो उनके नताइज के एतबार से। तो उलमाए किराम ने फरमाया, कबीरा गुनाह किसको कहते हैं? हर ऐसा गुनाह जिस पर अल्लाह ने दुनिया में कोई सजा मुकर्रर की हो वो कबीरा गुनाह है। मसलन अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदीहुमा, चोरी करने वाला मर्द, चोरी करने वाली औरत, अगर उनकी चोरी शरई तौर पर साबित हो गई तो उनका हाथ काटा जाए। अल्लाह ने सजा बयान की है, लिहाजा चोरी करना क्या है? कबीरा गुनाह है। इसी तरह अल्लाह ने जिना की सजा कुरान करीम में सूरह नूर में बयान की है, वो भी कबीरा गुनाह है। और जिस गुनाह पर अल्लाह ने लानत भेजी है, लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। अब लोग जाकर रास्ते में किसी से नमाज का वक्त हो गया, बुलाते हैं, आओ नमाज को, ज़र्रा काम है, पाँच मिनट के बाद आता हूँ, कोई काम नहीं है, मंखाने के काम के सिवा कोई और काम नहीं है। झूठ बोला कि नहीं बोला? कबीरा गुनाह हो गया। लानत अल्लाह ताला ने भेजी है झूठ बोलने वाले पर। तो जिस गुनाह पर अल्लाह ने लानत भेजी है या अल्लाह के रसूल ने लानत की है वो गुनाह क्या है? कबीरा है। जिस गुनाह पर अल्लाह ने कोई वईद बयान की कि आखिरत में तुम्हारी सजा यह है वो भी कबीरा गुनाह है। और जिस गुनाह का नुकसान ज्यादा है, शौहर की बात ले जाकर बीवी को सुना दिया, बीवी की बात ले जाकर के शौहर को सुना दिया, इस खानदान की बात को ले जाकर उस खानदान में सुना दिया, उस खानदान की बात ला करके इस खानदान में सुना दिया, अब आपस में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, रिश्ते टूट गए, ये क्या है? कबीरा गुनाह, चुगली करना। तो जिस गुनाह पर अल्लाह ने कोई सजा इस दुनिया में मुकर्रर की है या जिस गुनाह पर अल्लाह ने लानत भेजी है या जिस गुनाह की सजा अल्लाह ने आखिरत में मुकर्रर की है वो सब के सब क्या है? कबीरा गुनाह है। और इनके अलावा जो गुनाह है वो क्या है? सगीरा गुनाह है। मसलन खड़े होकर के पेशाब करना, खड़े होकर पेशाब करना, इस पर कोई वईद, कोई लानत, कोई सजा दुनिया में बयान नहीं की गई है, लेकिन खड़े होकर के पेशाब करना क्या है? ये मना है। बगैर उज्र के, बगैर मजबूरी के खड़े होकर पेशाब करना जायज़ नहीं है। तो ये क्या है? सगीरा गुनाह है। गुनाह है, गुनाह, कयामत में इसके बारे में सवाल होगा, लेकिन वो सगीरा है, उसकी सजा हल्की है। अब पेशाब करते हुए पेशाब की छींटों से अपने आप को ना बचाना, पेशाब की छींटे जिस्म के ऊपर गिरा लेना, ये कबीरा गुनाह है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे, ऊंटनी बितकने लगी, हुजूर ने फरमाया रोको, यहाँ दो कब्रें हैं, इनके ऊपर अजाब हो रहा है। एक आदमी चुगली किया करता था दुनिया में, चाड़ी इधर की उधर, उधर की इधर, दूसरा आदमी पेशाब के कतरों से नहीं बचता था, इसलिए इसको अजाब हो रहा है। इस्तंजिहु मिनल बौल फइन्न आम्मता अजाबिल कब्र मिनहु, पेशाब की छींटों से अपने आप को बचाओ, इसलिए कि अजाब कब्र अक्सर पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से होता है, नापाकी की वजह से। तो बहरहाल कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह की ये तफसील है। कबीरा गुनाह कितने हैं टोटल?
हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के पास किसी ने कबीरा गुनाहों के बारे में बताया कि हज़रत कबीरा गुनाह तो 7 हैं, शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना और झूठी गवाही देना, रिश्ता तोड़ना, इस तरह चंद मोटे मोटे 7 गिनवाए। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने जवाब दिया, 7 मत कहो, 700 कहो। हज़रत इमाम इब्ने हजर हैसमी मक्की रहमतुल्लाहि अलैह ने एक किताब लिखी, उसका नाम है किताबुज़्ज़वाजिर। उस किताब के अंदर हज़रत ने कबीरा गुनाहों की फहरिस्त बयान की है, कबीरा गुनाह कौन कौन से हैं, बड़े गुनाह। तो उसमें हज़रत ने 467 गुनाहों के बारे में लिखा है कि ये सब कबीरा गुनाह है। अंदाज़ा लगाइए कबीरा गुनाहों की तादाद कितनी है। और हम में से हर दूसरा आदमी किसी न किसी कबीरा गुनाहों के अंदर मुब्तला है। एक और बात याद आ गई तो अर्ज कर देता हूं, बाज़ लोग क्या समझते हैं कि नमाज पढ़ लेंगे तो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, सूद भी खा लो, रिश्वत भी ले लो, माँ बाप की नाफरमानी भी करो, झूठ भी बोलो, गीबत भी कर लो, चुगली भी कर लो, सारे माफ हो जाएंगे, छोटे मोटे भी बड़े सब माफ हो जाएंगे। बाज लोग ये समझते हैं, ये बिल्कुल गलती है। और फजाइल भी बयान करते हैं, पढ़ते हैं कि जब आदमी हाथ से वजू करता है तो हाथ से किए हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। किसी को थप्पड़ मारा वो कहाँ माफ होगा, कुल्ली आदमी करता है तो ज़बान से जो गुनाह किया वो माफ़ हो जाएगा, ज़बान से माँ को गाली दी है वो कैसे माफ़ होगा, गीबत की है, चुगली खाई है वो कैसे माफ़ होगा, मुंह धोया, आंख से बदनजरी की है माफ़ हो जाए, कैसे माफ़ होगा, कानों से दूसरों की बुराई बड़े मज़े लेकर के सुना कैसे माफ़ होगा। वजू करने से गुनाह माफ़ होते हैं, नमाज पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं, लेकिन वो कौन से गुनाह माफ़ होते हैं, सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। वजू करने से, और घर से आदमी वजू बनाकर मस्जिद को आए, हर कदम पर एक एक गुनाह माफ़ होता जाता है। कौन सा गुनाह, लोगों के कोंपे डुबाया, वो गुनाह माफ़ होगा क्या, नहीं होगा। लोगों का माले हराम ले लिया, जेब भर रहा है, तिजोरी में रख रहा है, वो माफ़ होगा, नहीं होगा। सगीरा गुनाह माफ़ हो जाएंगे, कबीरा माफ़ नहीं होंगे। तो जितने भी फजाइल इस तरह अहादीस में वारिद हैं, उन सब का मतलब मुफस्सरीन किराम ने, फुकहाए इज़ाम ने, मुहद्दिसीन किराम ने जो बयान की है वो क्या है, सगीरा गुनाह माफ़ होंगे, कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होंगे। कबीरा गुनाह माफ़ होने के लिए शर्त यह है कि आदमी तौबा करे, आदमी क्या करे, तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से माफ़ी मांगे कि अल्लाह मैंने अब तक जितने गुनाह किए हैं, बड़े गुनाह छोटे भी, अल्लाह सबको माफ़ फरमा। छोटों का चाहे नाम ना लो, बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर के तौबा करना ज़रूरी है, जितने आपको याद हो। तौबा कर किए बगैर बड़ा गुनाह माफ़ नहीं होता, एक बात तो ये है। दूसरी बात क्या, छोटे गुनाह कब माफ़ होंगे, वजू करने से गुनाह माफ़ होते हैं, चेहरा धोया पानी टपकेगा गुनाह माफ़ होते हैं, हाथ से पानी टपकता है गुनाह माफ़ होते हैं, लेकिन कब, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु,
अगर तुम कबीरा गुनाहों से बच जाते हो, नुकफिर अनकुम सैयातिकुम, तब हम तुम्हारे सगीरा गुनाहों को ऑटोमेटिकली माफ कर देंगे। तो सगीरा गुनाह माफ होने के लिए शर्त यह है कि कबीरा गुनाहों से आदमी बचे। कबीरा गुनाह माफ होने के लिए शर्त यह है कि आदमी तौबा करे उन गुनाहों से। समझ में आ गई बात? अब कबीरा गुनाह कितने हैं उनकी तादाद मैंने आपको बता दी है। 467 किताबु जवायर के अंदर हजरत ने लिखा है, उनमें से कुछ मैं आप हजरात के सामने गिनवाना चाहता हूं, बयान नहीं, गिनवाना, सिर्फ नोट करा देना, क्योंकि बयान करना हो एक एक गुनाह पर एक एक घंटा बयान किया जा सकता है। कुछ गुनाह मैंने लिखे हैं और प्रिंट भी करा करके लाया हूं, वो सब मैं आपके सामने थोड़ा पढ़ करके सुना देता हूं। सबसे पहले मैं इसका मुखातब हूं, जरा मैं देखूं मेरे अंदर ये है या नहीं, फिर आप लोग भी देखें कि आप इस गुनाह में मुब्तला तो नहीं हैं। अगर मुब्तला हैं तो तौबा करना मेरे ऊपर और आपके ऊपर फर्ज है। सिर्फ नमाज पढ़ लेने से काम नहीं चलता, जकात दे देने से काम नहीं चलता। बाज़ लोग क्या करते हैं, रमज़ान में 30 दिन के 30 फितरे एक आदमी को दे देते हैं, 30 दिन के 30 फितरे एक आदमी को दे देते हैं रोज़ेदार को, और क्या समझते हैं, अम्मा मेरा रोज़ा माफ़ हो गया मेरा रोज़ा माफ़ हो गया। कैसे माफ़ होगा? नहीं होगा, तुमको रोज़ा रखना होगा, तुमको रोज़ा रखना होगा। बहरहाल, तो सबसे पहले मैं सिर्फ गिनवा देता हूँ, टाइम कम है। हकारत से किसी पर हंसना शिर्क है, कुफ्र है, मुनाफकत है, वो सब है, वो सब आप जानते हैं। जो नहीं जानते या जानते तो हैं लेकिन आदमी उनकी तरफ तवज्जो नहीं देता, वो मैं आपके सामने गिनवाना चाहता हूँ। हकारत से किसी पर हंसना, सामने वाले को उन्हें क्या है, क्या है उन्हें करके हंसना, चिढ़ा करके हंसना, ये क्या है, कबीरा गुनाह है। बदगुमानी करना किसी के बारे में, रात में इन्हें 12 बजे कहां से आता है, बाटल मार को आता है कि नहीं तो क्या, तो गड़बड़ कर को आता है कि उन्हें कहां से आया, तुझे क्या है लेना देना। वो अपनी ज़रूरत से आ रहा होगा, अस्पताल से आ रहा होगा या सफ़र से आ रहा होगा, लेकिन आदमी बैठा बैठा अपने घर की खिड़की से देखता है 12 बजे घर में लाइट जल रही, क्या बात है। बदगुमानी दूसरे के बारे में, ये क्या है, कबीरा गुनाह। ना ज़बान हरकत कर रही है, ना हाथ पैर हरकत कर रहे हैं, दिल के अंदर एक मुसलमान के बारे में बदगुमानी कर रहा है, तो ये क्या है, कबीरा गुनाह है। बिला वजह किसी को बुरा भला कहना, कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है, सामने वाले को बुरा भला बोल रहे हैं, उल्टा सीधा। अप्रैल फूल के अंदर ये होता है, अप्रैल फूल के अंदर। और आजकल तो प्रैंक नाम की एक चीज आई है, इंग्लिश के अंदर भी नए नए वर्ड्स आजकल बहुत सुनने को मिल रहे हैं, प्रैंक। इससे पहले कभी हमने ऐसा लफ्ज नहीं सुना था, कामड़ी करना किसी पर, और उसमें उसको तकलीफ दी जाती है, उसको उल्टा सीधा कहा जाता है, ये सब क्या है, हराम है, नाजायज है। बिला वजह के सामने वाले को बुरा भला कहना, ताना देना। एक आदमी नमाज को नहीं आया, अब 4 आदमी मिल करके उसको ताना दे रहे हैं, तू कैसा बेवारसा है, दलिंदर है, तेरी वजह से नहुसत है, बारिश तेरी वजह से रुक जाती है, उसको ताना देना कि तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता है। उसको नसीहत करो, प्यारो मोहब्बत से समझाओ, उसके लिए रात में उठ करके दुआ करो, ताना ना दो कि उसने कोई गुनाह किया है या कोई इबादत में नहीं आया है, ताना मत दो किसी को।
वो डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, वो अल्लाह का डिपार्टमेंट है। हमारा डिपार्टमेंट क्या, उसके हाथ पैर पकड़ के प्यार और मोहब्बत से समझा करके उसको मस्जिद लेकर के आना। हाँ, बाप है बेटे को मार सकता है, उस्ताद है अपने शागिर्द को मार सकता है, पीर है अपने मुरीद को डांट सकता है, वो अलग मसला है। इसी तरह बुरे लकब से किसी को पुकारना, उल्टा नाम, आड़े नाम से किसी को पुकारना, तू लंबा है, तू गिड्डा है, तू मोटा है, तू फला है, तू फला है, इससे उसको तकलीफ होती है, ये क्या है, कबीरा गुनाह है। बाज लोग किसी आड़े नाम से मशहूर हो जाते हैं, बाज लोग ऐसे होते हैं उनका असली नाम आप बोलेंगे कौन की भाई हमना मालूम नहीं, लेकिन उनका एक आड़ा नाम होता है, वो अगर बोलेंगे आ उन्हें क्या आया था इधर, तो वो एक जरूरत की चीज है, वरना आड़े नाम लेकर बुरे लकब से किसी को नहीं पुकारना। ये सारी चीजें वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मना फरमाया है। इसी तरह किसी का ऐब तलाश करना, किसी की बुराई क्या है, ये आदमी कैसा है, क्या करता क्या नहीं करता, उसके पीछे लग जाना, ये सब क्या है, हराम है, कबीरा गुनाह है। किसी की गीबत करना, दो आदमी बैठे हैं तीसरे आदमी की बुराई कर रहे हैं, उसके बारे में बुरा भला बक रहे हैं, उन्हें ऐसा इन्हें ऐसा, ये क्या है, हराम है। धोखा देना, धोखा सामने वाले को धोखा देना किसी भी तरह, कारोबार में धोखा दे रहे हो, फटी पुरानी चीज है जहां से कपड़ा फटा है या कोई और सामान है जिसमें नक्स है, कमी है, उसको छुपा दिया, पेंट वगैरह कर दिया और सही चीज कह करके बेच दिया, ये हराम है, नाजायज है। बता करके बेचना चाहिए कि भाई इसकी कीमत 1000 है लेकिन इसमें एक कमी है इसलिए मैं 100 रुपये कम करके देता हूं। तो धोखा देना यह हराम है, नाजायज है। चुगली करना, तोहमत लगाना किसी पर, तोहमत, सामने वाले ने कोई ऐसा गुनाह का काम नहीं किया लेकिन खामखा ही उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि तूने ऐसा काम किया है, तोहमत लगाना। और तोहमत में भी किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कहा जो आदमी इस तरह पाक दामन ता है, इल्जाम लगाता है, उसको 80 कोड़े मारो। कितने कोड़े? 80 कोड़े मारो। फला तकबलू लहुम शहादतन अबदा, और इनकी गवाही कभी कबूल मत करो। बहुत बड़ा गुनाह है तोहमत लगाना, किसी पर इल्जाम तराशना। इसी तरह किसी को कोई तकलीफ पहुंची तो खुश हो जाना, वाह उन्हें मरगा कहते, उन्हें कोम्पा खाली कर ले को हमारे गली से चलगा कहते, खुश होना। खास करके रिश्तेदारों में यह होता है, बहन को कुछ नुकसान हो गया या सगे भाई को, मामू को, भांजे को दुकान के अंदर कुछ नुकसान हो गया, वो कंगाल हो गया, या उनके घर में रिश्ता टूट गया, हाँ इनके घर में बिरयानी पक जाती है, खुश हो जाता है। तो किसी को तकलीफ होने पर खुश होना कबीरा गुनाह है। इसी तरह तकब्बुर करना, मेरे पास पैसा है, मेरे पास इल्म है, मैं बहुत जबरदस्त कुरान पढ़ने वाला, जबरदस्त बयान करने वाला, मैं बहुत बड़ा मालदार हूं, मैं लीडर हूं, मैं लंबा हूं, ताकतवर हूं, मेरे इतने बच्चे हैं, तकब्बुर करना, इतराना, ये क्या है, कबीरा गुनाह है। इसी तरह किसी को नुकसान पहुंचाना ये कबीरा गुनाह है। और ऐसे ही अपने छोटों पर रहम ना खाना, मिसाल के तौर पर बाप है बेटा है, बेटे से गलती छोटी मोटी तो हो ही जाती है तो उस पर रहम खाना चाहिए, या उम्र में बड़ा आदमी है और छोटे आदमी से कोई गलती हो गई है, कसदन नहीं किया या कसदन किया है लेकिन माफ़ी मांग रहा है तो उसके ऊपर रहम खाना चाहिए।
तो जहां पर रहम खाने की जरूरत हो या मालिक है, नौकर ने कोई गलती की, वो रहम नहीं खाया तो ये बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। तो छोटों पर रहम करना चाहिए। इसी तरह बड़ों की इज्जत ना करना ये कबीरा गुनाह है। आज हमारा बेटा बाप की इज्जत नहीं करता, दोस्त को इज्जत देता है, दोस्त का कॉल अटेंड करता है, दोस्त के चैट को ये चाटता है, वापस रिप्लाई करता है, लेकिन बाप का फोन आए क्या अभी काम नहीं, इनको कब भी फोन करते रहते। अम्मी की तरफ से आवाज आए, कोने में पड़ को मरे है तेने, दिन भर बुलाते रहती। समझ में आ गई बात? बड़ों की इज्जत ना करना, बड़ों का एहतराम ना करना, ये कबीरा गुनाह है। और भूखे नंगे मोहताज लोगों की मदद ना करना। मेरे पास कुदरत है, जेब में पैसा भी है, सामने जरूरतमंद है, हकीकत में वो जरूरतमंद है। ये गेट के पास जो लोग खड़े रहते हैं ना, इनमें से अक्सर आपसे ज्यादा मालदार है, आपसे भी ज्यादा बैंक बैलेंस उनके पास है, चार चार बैंकों में अकाउंट भी है, एटीएम कार्ड भी है, आपसे ज्यादा पेटीएम चलाना, फोन पे चलाना जानते हैं। तो हकीकत में जो मोहताज है, जरूरतमंद है, और आप उसकी मदद कर सकते हैं, कोई रुकावट भी नहीं, इसके बावजूद जरूरतमंद को मदद ना करना, ये भी कबीरा गुनाह है। इसी तरह किसी दुनियावी गरज से किसी आदमी से 3 दिन से ज्यादा बातचीत को बंद करना, किसी दुनियावी गरज से किसी आदमी से 3 दिन से ज्यादा बातचीत को बंद कर देना, ये क्या है? कबीरा गुनाह है। दीन की गरज से आप बात नहीं कर रहे, मसलन एक आदमी शराबी है, बहुत शराब पीता है, अगर आप उससे बात करेंगे तो वो ऐसा आदमी है कि आपका हाथ पकड़ कर ले जाएगा शराब खाने में, आपको नहीं पिलाएगा तो लेकिन ले जाकर बिठा लेगा वहां। तो दीन का नुकसान है ना, इसलिए आप उससे दूर रहते हैं, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन दुनियावी मकसद की खातिर किसी से बोलचाल बंद करना, यह भी कबीरा गुनाह है। इसी तरह किसी की जमीन पर कब्जा करना और जिना करना, बदकारी करना, चोरी करना, एक और गुनाह भी बता रहा हूं। सब लोग मुझे कहेंगे क्या हजरत को एच मिला क्या? दाढ़ी काटना, दाढ़ी कटवाना, एक मुट्ठी से कम रखना। बाज लोग क्या बोलते हैं, दाढ़ी है हम ना भी, कहाँ है, एक मुट्ठी होना जरूरी है, इधर से भी एक मुट्ठी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से एक मुट्ठी दाढ़ी होना जरूरी है, वाजिब है, दाढ़ी रखना वाजिब है, दाढ़ी को कतरवाना या शेव करना हराम है। लोग इसको क्या समझते हैं, नहीं नहीं दाढ़ी रखना तो सुन्नत है। अरे भाई, सुन्नत का मतलब है नबियों का तरीका, दाढ़ी रखने का हुक्म क्या है, वाजिब है, कंपलसरी। समझ आ गई बात? तो दाढ़ी काटना यह भी कबीरा गुनाह। काफिरों वाला, फासिकों वाला लिबास पहनना, हमारे नौजवान कैसे लिबास पहनते हैं, जब सजदे में जाते हैं या रुकू में जाते हैं पीछे पूरा नजर आ जाता है, वजू खाने में पीछे लाइन में लोग खड़े रहते हैं और नौजवान वजू कर रहा है, चोली पहन रखा है, जब वजू करने के लिए झुकता है पीछे का पूरा सुराख नजर आ जाता है। कितने लोग आकर के हमसे बोलते हैं कि हजरत इनको कुछ समझाओ, क्या समझाएं, एक एक आदमी को पकड़ करके समझाएं क्या? खुद आदमी को कॉमन सेंस होना चाहिए, अकल होना चाहिए, मैं क्या पहन रहा हूं क्या नहीं पहन रहा, बिल्कुल हराम है, नाजायज है काफिरों वाला लिबास पहनना। झूठी गवाही देना, मर्दों का औरतों जैसा हरकत करना, दिन भर आईने के सामने बैठा रहता है, डेकोरेट अपने आप को, पाउडर लगाता है, क्रीम लगाता है, 15 मर्तबा धोता है, ये क्या हराम है?
वो तो औरत का काम है, साबुन से धो लो, एक बार क्रीम लगा लो, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन औरत जैसा बनने की कोशिश करता है, बाल भी बिल्कुल औरत जैसे हो, औरत जैसे लंबे लंबे एकदम बाल लगता है, या औरत है मर्द बनने की कोशिश करती है, पैंट पहनती है, मर्द की तरह शर्ट पहनती है, मर्द की तरह बाजार में घूमती फिरती है, हराम है, नाजायज है। यतीम का माल खाना, झूठी गवाही देना और माँ बाप की नाफरमानी करना, झूठी कसम खाना, झूठी कसम खाना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, दोनों हराम। बाज मर्तबा मजबूरी में कुछ ऑफिस में रिश्वत देना पड़ जाता है, नहीं देते तो वो हमारा पेपर आगे नहीं बढ़ाता है, हमारी मजबूरी है, तो मजबूरी में अपना हक वसूल करने के लिए रिश्वत में कुछ देना मजबूरी में जायज़ है, लेकिन लेना बिल्कुल हराम है। रिश्वत लेना बिल्कुल हराम है, किसी भी सूरत में रिश्वत लेना जायज़ नहीं है। इसी तरह शराब पीना, जुआ खेलना, लॉटरी, आजकल मोबाइल के अंदर लॉटरीज आ रही हैं, पहले तो चीटी का है, अब तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे लॉटरी वाले कारोबार आते हैं, ये सब जुआ क्या है, हराम है। किसी पर जुल्म करना, किसी की चीज बगैर उसकी इजाजत के उठा लेना जिससे उसको तकलीफ हो, ये भी क्या है, कबीरा गुनाह है। सूद का माल खाना, सूद पर पैसा या कोई और चीज देना, सूद लेना, सूद लिखना, सूद पर गवाह बनना, ये सब हराम है, ये सब क्या है, हराम है, नाजायज है। अलबत्ता सूद देना वयजूज़ लिल मुहताजी अल इस्तिकराज़ मिन अर्रिबही अल अशबा व नज़ायर, एक किताब है उसके अंदर लिखा है, अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा मजबूर है, कर्ज हसना कहीं से भी नहीं मिल रहा, अब अगर ये कर्ज नहीं लेगा कहीं से तो ये रोड पर आ जाएगा, ऐसी इसकी बुरी हालत हो गई है, तो ऐसी मजबूरी में ये सूद पर कर्ज ले सकता है, और जब कर्ज अदा करेगा तो सूद देगा कि नहीं देगा, तो ये जो सूद दे रहा है ये हराम नहीं है, माफ है, क्योंकि मजबूर हो गया ना, अब कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, समझ में आ गई बात। लेकिन सूद खाना क्या मजबूरी है, हलाल खाओ, सूद खाने किसने बोला है, सूद खाना, सूद लेना, सूद पर गवाह बनना, विटनेस, जामिन रहना, ये सब क्या है, हराम है, नाजायज है। इसी तरह अमानत में खयानत करना, वादा खिलाफी करना और बगैर शरई उज्र के जमात की नमाज को छोड़ देना, नमाज छोड़ना वो भी कबीरा गुनाह है, जमात की नमाज को बगैर किसी उज्र के छोड़ देना, नमाज को कजा करना, औरतों का नामहरमों से पर्दा न करना, ये भी क्या है, हराम है, नाजायज है। और बिला जरूरत उनसे बातचीत करना, गपशप करना, ये भी नाजायज है, हराम है। आजकल क्या है, रिश्ता हो जाता है, लड़के का लड़की का रिश्ता हो गया, मंगनी हो गई, डेट फिक्स हो गया, 15 तारीख को, 15 मार्च को निकाह है, अभी 15 दिन बाकी है, तो लड़की लड़के को मैसेज करती है, लड़का लड़की को मैसेज करती है, ये अपना फ़ोटो भेजता है, वो अपनी फ़ोटो भेजती है, तू फलां ड्रेस में कैसी लगती है, एक फ़ोटो भेज, तू फलां ड्रेस में कैसा लगता है, एक फ़ोटो भेज, ये सारा काम चल रहा है, आँखों का जिना हो रहा है, जबान का जिना हो रहा है। हदीस में हुजूर ने फरमाया, अल आईनानी तजनियान, हमारी आंखें भी जिना करती हैं, हमारे कान भी जिना करते हैं, हमारी जबान भी जिना करती है, ये सब क्या है, यही है, शादी से पहले ही सारे काम हो रहे हैं, मंगनी भी अगर हो गई हो, जायज नहीं है कि उससे बातचीत करे, जायज नहीं है कि उसको देखे। मंगनी के वक्त में, रिश्ता तय होने से पहले एक नज़र लड़की को देखना बिल्कुल जायज़ है, बल्कि हुजूर ने एक सहाबी को फरमाया, क्या तुमने अपने होने वाली बीवी को एक बार देखा कि नहीं देखा,
उन्होंने कहा नहीं देख लो एक बार, बाद में कहीं तुम मना कर दो, एक नज़र देखना। तो एक नज़र देखना क्या है, जायज़ है बस। उसके अलावा उसका फ़ोटो लेकर के रखना, रोज़ाना रात में दीदार करके सो जाना, ये सब क्या है, हराम है, नाजायज़ है, अगरचे मंगनी हो गई है। तो इस तरह कितने सारे गुनाह है, वक्त नहीं है। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, मैंने जो गुनाह गिनवाए हैं ये ऐसे गुनाह हैं जिनमें हम और आप में से अक्सर मुब्तला हैं। अल्लाह के घर में बैठे हैं, झूठ ना बोले। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ मेरे बारे में, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह के सामने झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए हमें क्या करना है, सच्चे दिल से तौबा करना है, सच्चे दिल से हमें तौबा करना है। हम अगर अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा करेंगे कि ऐ अल्लाह अब तक हमारी ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हुए हैं ऐ अल्लाह सबको माफ़ कर दे, आइंदा के लिए हम ऐसा कोई गुनाह नहीं करेंगे, कसदन आइंदा कभी ना करें, अगर कभी मजबूरी में या बेख्याली में गफलत में पढ़कर कोई गुनाह हो गया फिर तौबा करें। हदीस में आता है अगर कोई आदमी दिन में 70 मर्तबा गलती से जिस गुनाह से माफ़ी मांगा था उसको दोबारा कर लेता है और फिर माफ़ी मांग लेता है तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। 70 बार भी वो कर लेता है तो 71 टाइम, 70 पर एक भी मर्तबा अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। इतना बड़ा रहम करने वाला, करम करने वाला है। लेकिन अल्लाह के सामने नाटक नहीं करना है, अल्लाह से मजाक नहीं करना है कि गुनाह हो भी जाए तौबा भी कर लिया, फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर लिया, फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर लिया। अल्लाह तो जानता है ना कि ये कौन है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है या गफलत में इससे ऐसा हो जा रहा है, अल्लाह तो जानता है ना। इसलिए अल्लाह के सामने नाटक नहीं करना है, मजाक नहीं करना। तो बहरहाल मैं अर्ज़ करना चाह रहा था कि हम लोग अल्लाह की इबादत के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं, इसलिए अल्लाह के अहकामात को बजा लाना है और अल्लाह ने जिन गुनाहों से मना फरमाया है उनसे हमें बाज रहना है। अगर कभी गलती से कोई गुनाह हो गया अल्लाह के सामने रो धो लेना, जानबूझकर भी अगर कोई गुनाह कर दिया है अल्लाह से माफ़ी मांग लेना और आइंदा ना करने का अज़्म मुसम्मम करना, पुख्ता इरादा, एकदम पक्का इरादा कर लेना कि आइंदा हम ऐसा कोई गुनाह नहीं करेंगे। अल्लाह पाक हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और नेक आमाल में हमें लगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।